सो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड चैनल आ चुका है जो आपको पैनी गुरुजी के नाम से मिलेगा। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया तो जाकर विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पैनी स्टॉक्स ही रेकमेंड किए जाएंगे जो आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न निकाल कर दे सकते हो। और आप देखोगे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सभी के सभी पैनी स्टॉक हम वहाँ पर जो है रेकमेंड करते हैं। और सेकेंड आप देखोगे हमारा जो है टेलीग्राम चैनल भी आ चुका है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हो, वीरम सिक्योरिटीज लिमिटेड। जी हां, आप देखोगे स्टॉक का करंट प्राइस 49.35 पैसे पहुंच चुका है। और स्टॉक के अंदर आज फिर से हमें अप्रोक्सीमेट 5% की यूसी देखने को मिली है। जी हां, फिर से 5% की तेजी आई है। स्टॉक नॉन स्टॉप आपको रिटर्न निकाल कर दे रहा है, लेकिन जितने रिटर्न निकाल कर देना उतना खतरा भी स्टॉक के ऊपर बढ़ता जा रहा है। जी हां, उतना ही खतरा बढ़ता जा रहा है। आप देखोगे ओवरबॉट जोन में जा चुका है, करेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जो करेक्शन स्टॉक के अंदर होगा वो आप देखोगे 52 हमें जो ना 60 के बीच में करेक्शन देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर। अगर ऊपर से एक बार LC लगा तो स्टॉक वही हमें जो ना 50-60% टूटते हुए नजर आएगा। क्या पता 80% भी टूट सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉक हमें जो ना 50-60% टूटते हुए नजर आएगा अगर ऊपर से एक बार LC लगा तो। अब आती है मेन बात, क्या यहाँ से सेल और बाय करने के लिए क्या होल्डिंग में चलना चाहिए। आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो कि सर हमें जो ना क्या होल्डिंग में रहना चाहिए, सेल कर देना चाहिए या फिर जो ना और क्वांटिटी बाय करनी चाहिए। तो भाई मैं आपको सीधी सी बात बता दूँ, आप जो ना बाय के बारे में तो सोचो भी मत। अब जी हाँ, इस स्टॉक के अंदर बाय के बारे में तो आप सोचो भी मत। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको इस स्टॉक के साथ जो है रिस्क लेना चाहिए कि स्टॉक आप देखोगे वहाँ पर जो वीडियो में टारगेट दिए जा रहे हैं ना 100 रुपये और जो है 200 रुपये ऐसे करके जो टारगेट दिए जा रहे हैं, अगर आपको लगता है वहाँ तक जाएगा तो भाई आप बैठे रहो रिस्क लेकर, ठीक है। और जिनको लगता है कि हमें बिल्कुल सेफ रहना है तो वो यहाँ से निकल जाओ। जी हाँ, बिल्कुल निकल जाओ। मैं तो हूँ सेफ रहने के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मैं आपको जो ना कहता हूँ मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है सेफ रहना। आप यहाँ से निकल जाओ, आप सही रहोगे। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, आप बैठे रहो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और ना ही हमें ऐसे में एतराज़ है कि आप स्टॉक और बाय करो, और ना ही हमें ऐसे में एतराज़ है कि आप इसको सेल करके यहाँ से निकलो। आपका जो दिल करे वो करो। मेरा जहाँ तक मानना है आपको सेल करना चाहिए। अगर सेल नहीं किए तो अब की बार, जी हाँ इसी वीक आप देख लेना, आपको हैवी करेक्शन का सामना करना पड़ेगा। अगर स्टॉक के अंदर पर एक बार LC लगे ना, स्टॉक के अंदर एक बार ऊपर से LC लग गया तो 50-60% ये स्टॉक पक्का टूटेगा भाई। जी हाँ, 50-60%। और वहीं आप देख लेना 25-30 रुपये के आसपास आते देखने को मिलेगा तो करेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। और आपको एक बात और बता दूँ भाई, इसको ले जाने के मूड में तो क्या पता ऑपरेटर इसको 100 रुपये तक भी लेकर जा सकते हैं। सारा का सारा जो गेम है ना अब ऑपरेटर के हाथ में है भाई। इसके पीछे तेजी का रीजन क्या है किसी को कुछ नहीं पता। कोई एक बंदा मेरे को आकर बता दे इसके अंदर जो ये ऑपरेटर गेम चल रहा है, जो इसके अंदर वॉल्यूम लगने लग रही है, इसके अलावा कोई और रीजन है तेजी का, तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना भाई ये रीजन है। कंपनी को कहीं पर कोई बड़ी डील मिली हो या फिर आप देखोगे कंपनी को कहीं पर जो ना बड़ा प्रॉफिट हुआ हो जिसके कारण स्टॉक के अंदर हमें जो है इतनी हैवी तेजी देखने को मिल रही है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सब पब्लिक को फंसाया जा रहा है और पब्लिक फंसेगी। मैं गारंटीड कह सकता हूँ पब्लिक फंसेगी और ऐसी फंसेगी जिंदगी भर। जी हाँ, जिंदगी भर आप लोग जो ना याद रखोगे कि उस स्टॉक के बारे में हमने जो ना आपको समझाया था। आप देखो गैलेक्टिको का आप जो ना एग्जांपल लेकर देख सकते हो। गैलेक्टिको को मैंने जो ना 60 रुपये पे बोला था निकालने के लिए, 60 रुपये से लेकर मैंने बोला 80 रुपये तक नॉन स्टॉप मैंने जो ना हफ्ते में दो तीन वीडियो में डालता रहा था गैलेक्टिको के ऊपर कि स्टॉक से बाहर आ जाओ, स्टॉक से बाहर आ जाओ, लेकिन नहीं आए भाई। अब देखो क्या सामना करना पड़ रहा है, वहाँ पर हैवी करेक्शन हो रहा है भाई, ठीक है। वही हाल होगा स्टॉक के अंदर, आप देखोगे बल्क डीले हो रही है। आप देखोगे 42 रुपये पर जो शेयर थे वो सेल किए गए थे अप्रोक्सीमेट 2 लाख के आसपास 27 जुलाई को। तो भाई लगातार बल्क डीले हो रही है, आप देख सकते हो जून से इसके अंदर हमें जो है ना जुलाई से हमें जो है इसके अंदर नॉन स्टॉप बल्क डीले देखने को मिल रही है। तो संभलने का मौका है, यहाँ से संभल जाओ। अगर आपको रिस्क लेना तो बैठे रहो भाई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।